सनातन धर्म में साल के 12 माह बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रत्येक महीने किसी न किसी देवी देवता की पूजा आराधना करने का विधान है। हिंदू धर्म में सावन का माह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव भक्त इस महीने का पूरे साल इंतज़ार करते हैं। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह माह भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। इस साल सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से शुरू हो रही है और समापन 19 अगस्त को होगा। पौराणिक कथा के अनुसार इस महीने देव के देव महादेव अपने ससुराल पृथ्वीलोक पर आते हैं। यह महीना भगवान शंकर की पूजा आराधना और अभिषेक के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महीने कुछ खास रंग का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है सावन का महीना प्रकृति से जुड़ा होता है और इस महीने हरे रंग का वस्त्र धारण करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि सावन के महीने में क्यों धारण किया जाता है हरे रंग का वस्त्र। क्या विशेष? देखिए, हरियाली का प्रतीक है हरा रंग, खुशहाली का प्रतीक है हरा रंग। हमारे जीवन में जब हरियाली आती है सावन में, प्रकृति जो है एक नए रूप में तमाम पेड़ के पत्ते एक नए आवरण ढक लेते हैं। प्रकृति में हरा भरा सब दिखाई पड़ता है, हर तरफ एक खुशमिजाज माहौल रहता है और उसमें भगवान भोलेनाथ, क्योंकि वर्षा के साथ साथ हरियाली का एक अद्भुत संगम हमें इसी सावन मास मिलता है। भगवान शंकर को जल प्रिय है, जल की वर्षा में ही सावन मनाया जाता है, इसलिए हरा रंग प्रिय है, क्योंकि हरियाली का अर्थ ही है हरा, जो हरा वही हरियाली है। इस है हरे रंग का धतूर, हरे रंग का भांग, हरे रंग का बिलपत्र और भगवान को जो सबसे प्रिय इत्र है खस, वो भी हरे रंग का है। इसलिए हरे रंग का विशेष महत्व सावन में है। धारण करना चाहिए, हर रंग का वस्त्र अगर धारण करते हैं भगवान शिव की पूजा के समय तो, लेकिन वो भी वस्त्र हो, कोमल वस्त्र हो, ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक का ओढ़ के चले गए हरे रंग का, उसका कोई महत्व नहीं है। जो आपके शरीर को आनंद दे, हरे रंग का हो, हरियाली महसूस कराए, ऐसा वस्त्र हरे रंग का धारण करें।